हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एमएससी फाइनल ईयर एक पेपर है हमारा टोपोलॉजी, उसमें एक टॉपिक है टोपोलॉजी। तो व्हाट इज़ टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे एंड एक टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ेंगे। टोपोलॉजी मीन्स जो होती हैं, जैसे कि हम रियल एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू फाई, मीन्स क्या हो गया, एक्स होगा हमारा एक सेट होगा जो कि कैसा होगा, एम्प्टी नहीं होने का। ए क्लास टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, मीन्स एक क्लास टी, क्लास टी का मीन्स समझते हैं, एक एक्स के सबसेट होंगे, उन सबसेट के छोटे छोटे सेटों का ही एक बड़ा सेट होगा, उसको हम क्लास बोलते हैं। तो क्लास टी है, कहीं कहीं पे टी की हम टाउ भी लगाते हैं, ठीक है, टाउ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टी लगाएं। तो क्लास टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। तो हमारा ये एक्स टी क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी ऑन एक्स कहलाएगा, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, अगर ये हमारी कुछ कंडीशन या एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर देगा। फर्स्ट हमारी जो एक्सियम्स हैं वो क्या है, पाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, दैट इज मीन्स क्या हो गया, जो हमारा टी होगा या टाउ होगा उसमें पाई एंड एक्स, एक्स क्या एक सेट होगा, वो बिलोंग्स करना चाहिए। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है कि जीवन भी अगर टाउ का एलिमेंट है, जी टू भी अगर टाउ का एलिमेंट्स है, तो जीवन का इंटरसेक्शन और जी टू के इंटरसेक्शन वो भी बिलोंग करेगा टी, टी हो या चाहे टाउ हो आपका, ठीक है। तो सेकेंड आपकी कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी एक सेट होगा, आर्बिट्ररी सेट का मतलब होगा एनी नंबर ऑफ सेट, एनी नंबर ऑफ सेट का यूनियन लेंगे वो भी बिलोंग्स करना चाहिए टी में, देन टी, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, देन हम क्या कहलाएंगे, टी के लिए टोपोलॉजी कहलाएगी फॉर एक्स के लिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी का मतलब आप लोग जानते हैं कि सेट खाली नहीं होना चाहिए, तो एक क्लास टी होगी और सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का ही सबसेट का एक बड़ा सेट होगा, उसको हम टी क्लास बोलते हैं। तो क्लास टी ऑफ सबसेट एक्स इज सेट टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, वो टोपोलॉजी कहलाएगी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। पहली कंडीशन क्या थी, पाई बिलोंग्स टू टी और एक्स बिलोंग्स टू टी, तो पाई और एक्स दोनों बिलोंग्स करने चाहिए टी में। सेकंड थी, अगर दो एलिमेंट हम लेंगे किसके, टी के एलिमेंट्स लेंगे, उन दोनों का भी इंटरसेक्शन टी में होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन की, एनी नंबर ऑफ सेट का यूनियन लेंगे वो भी हमारा टी में बिलोंग करना चाहिए, देन हम कहेंगे कि टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, ठीक है। अब बात आती है टोपोलॉजिकल स्पेस क्या चीज है, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, इफ टी बी ए टोपोलॉजी ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कहेंगे कि अगर एक सेट एक्स है, अगर वो टी हमारा एक टोपोलॉजी कहलाएगी ऑन सेट एक्स पे, देन द पेयर एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग कि क्या है, अगर हमारी टी एक टोपोलॉजी है एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे, देन उनका जो पेयर होगा एक्स कॉमा टी का इज कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस, तो उस पेयर को हम एक्स कॉमा टी को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में, बहुत आसान सा टॉपिक है हमारा ये, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजीली समझा गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आया हो। आगे की वीडियो भी बनाएंगे टॉपिक्स पे, आप लोग पढ़ते रहिएगा, बहुत सारी वीडियो बनेंगी जो आपको टोपोलॉजी से रिलेटेड होंगी और आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।